गाइस तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो में आ चुके हैं अपने कबूतर के पास। तो देख सकते हो गाइस अभी तक कबूतर नहीं छोड़े हैं, छोड़ेंगे देख सकते हो, सुबह से कबूतर नहीं छोड़े और आज इसका काम नहीं हुआ गाइस, क्योंकि आज 2 बजे तक पानी चालू था और 3 बजे में चला गया बाहर, तो अभी इसका होने का है। तो चैनल पे जो भी न्यू आए तो चैनल पर सब्सक्राइब। तो चलो गाइस ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, कबूतर को छोड़ता हूँ। चलो गाइस कबूतर छोड़ दिए और देखो आते ही उड़ना चालू हो चुका है, तो रिएक्शन देखते हैं इस मादी की। इसके 2 अंडे हुए हैं आपको पता है, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ और मोटे कबूतर को भी डाल देता हूँ यहाँ और इस पट्टे को भी डाल देता हूँ यहाँ। अरे यार गलती हो गई गाइस, डालने का नहीं था, कबूतर छोड़ देता हूँ। देख सकते हो ये देखो जाल पर चिपक रहे हैं, इनको प्रैक्टिस देने को ना। ये देखो निकल गए और ये चले गए और मुर्गा मुर्गी देखो आ गए, ये भी इनको भी काम धंधे नहीं है, जैसे कबूतर छोड़े वही से ही आ जाते हैं। और ये देखो ये मादी और वैसे अपने कबूतर अब पियेंगे पानी, पर कबूतर को पीना था पर ये कुत्ता ही पी रहा है पानी। और इनको दाना गिना डालता हूँ, इनके देखो ऊपर वाले के अंडे हो गए, इसके कुछ नहीं, अंडे नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, इनके देखो 2 अंडे भी हो गए और इनके कुछ भी नहीं। जोड़ा बहुत परेशान कर रहा है, ये ऊपर ही जाके बैठता है और बहुत लेट नीचे आता है, तो इनको अंदर ही दाना पानी कर देंगे क्योंकि बाहर करने के बाद ये सब मुर्गियाँ इधर आ जाएंगे, तो इसके वजह से मैं अंदर। और ये पट्टा भी देखो अच्छा फ्लाई करने लग गया है, अच्छा उड़ने लग गया है और मुर्गी को भी थोड़ा ये मादी देखो कहाँ पर चली गई, इसका नीचे का खाना है और ये देखो कहाँ पर चली गई। देख सकते इनको भी इधर डाल दिया, मुर्गी को भी उधर डाल दिया, अभी इतना बचा है तो इनके मैं पेटी में डाल देता हूँ। ये भी ये भी ये भी तो हो गया सबको डालते हुए। और ये देखो मज़े से खा रही है और वो भी मज़े से खा रहे हैं। ये गया पानी पीने को। और कितने कबूतर है आपको पता ही है, तो इनका इसका भी जल्दी से बन जाएगा आपको बता देता हूँ। दरवाज़ा तो खतरनाक हो गया है, रात के समय मैं आपको दिखा नहीं पाया, आप देख लो पूरा खतरनाक दरवाज़ा हो गया है, ये देखो पूरा खतरनाक। ये थोड़ी सी फट छुट फट रहती है, तो बताना इससे कुछ धोखा है या नहीं और क्या गलती हुई है ये भी बताना। तो पीछे के साइड क्या करना है मुझे अभी तक नहीं समझ आ गया, इधर से फट आती है ये देखो, इधर से भी आती है, तो इधर से कोई जानवर घुसे ना। और ये अब तो ये हिलता है, ये देखो ये हिलता है अभी, तो इसको भी टाइट करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, किससे बांधना है अभी तक पता नहीं चला। इधर के साइड इतनी फट गिरती है तो ये भी करना पड़ेगा। और नीचे से कुछ लाऊं या ना रखूं ये भी बताना। और इनका खाना गिना हो गया है तो अब उड़ाता हूँ कबूतर, कबूतर नीचे रख के कबूतर उड़ा के देखता हूँ कि अपने कबूतर उड़ पाते हैं या नहीं। तो चलो गाइस सीन हो गया, मैंने जैसे तारा को फेंका, ये देखो ये दोनों को फेंका, वैसे ये मादी ऊपर चली गई। ये मादी उड़ने को नहीं होना, आपको पता है इस ये जब जब फ्लाई करती है कुछ ना कुछ नुकसान करके जाती है, देखो। तो अब कितने 4 कबूतर ऊपर है, 2 मादियाँ कतरी वाले नीचे और मोटा कबूतर भी अंदर है। तो ये देखो ये बैठ चुके हैं, तो देखता हूँ मैं उड़ा के इनको क्या उड़ पाते हैं या नहीं। ऊपर जितने कबूतर है इसमें से और पट्टा भी है उसके साथ, ये कौन उड़ रहा है, तो उधर के साइड चला जाता हूँ। मादी भी उधर चली गई, गलत सीन हो गया, मादी भी ऊपर है, तारा इधर है, तो देखता हूँ उड़ा के पहले इनको अंदर डाल देता हूँ क्योंकि मैं उधर जाने के बाद इसका कुछ होने का नहीं होना। और मोटा कबूतर को हाथ में लेता हूँ क्योंकि वो भी वो पट्टा देख के भाग जाता है, तो इसको भी मादी पक आएंगे तो ये भी मुझे परेशान करेंगे मेरे को पता है। और इसके है अंडे, तो अंडे वाले खन में डाल देता हूँ इनको और पेटी लगा देता हूँ और अब चलता हूँ कबूतर उड़ाने को। तो ये दोनों इधर है तो ये तो नहीं उड़ेंगे मुझे ऐसा लगता है, पट्टा भी चला गया, तारा भी और सब कबूतर इधर, सिर्फ 3 कबूतर है, 5 कबूतर कितने 6 कबूतर उधर है, तो देखते हैं वो उड़ पाते हैं या नहीं। तो गाइस देख सकते हो अपने 5 के 5 कबूतर उड़ गए, उसमें मादी भी है और न्यू वाला पट्टा भी है, पट्टा इधर के साइड उड़ रहा है देख सकते हो आप। और देखो पूरा लाट का लाठी उड़ गया, सब कबूतर उड़ गए अपने 6 के 6, पहली बार उड़ गए अपने घर के ऊपर 6 कबूतर,
तो देखते हैं इनको, तो ये वाला न्यू वाला पट्टा है, इसके इस पे पर नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये मादी बैतर मादी कबूतर इधर उड़ रहे हैं और ये पट्टा का तो पहली बार है, ये चार तो रोज उड़ते, और मादी देखो सीधी चली गई, ये बैसी बैतर मादी है और वो भाग जाएंगी। अब इधर की साइड देखो बस्तर मादी कहाँ पर बैठ गई, ये ऐसी है बैतर कबूतर, और इसमें पट्टा कहाँ गया, पट्टा भी उड़ रहा था, चार ही कबूतर है और पट्टा दिख नहीं रहा, कौन से साइड बैठा अभी तक पता नहीं चल रहा है, पट्टे को देखना पड़ेगा। ये देखो चार ही कबूतर ऊपर है, पट्टा गुम हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं देखता हूँ पट्टा कहाँ पर गया है, पट्टा तो दिख ही नहीं रहा गाइस। ये देखो चार ही कबूतर ऊपर उड़ रहे अपने, पट्टा गायब हो गया, मुझे लगा ही पहली बार उड़ा ना हो, नहीं नहीं नहीं, अरे बाप रे, ये देखो पट्टा तो नीचे है अपने पास, पूरे लॉफ्ट में वो खड़ा है अकेला, और ये चार उड़ रहे और बैतर मादी उधर बैठ गई, इसका मुझे लगा ही वो उधर जाएंगी करके, और अपने ये चार कबूतर तो उड़ते, इनका तो कुछ मतलब ये रमे हुए कबूतर है, सिर्फ वो मादी है बस्तर, उड़ती नहीं फुड़ती नहीं, किधर भी बैठ जाती, मुझे उस मादी से तो अच्छा ये लगा, थोड़ा सा उड़ा पर घर के आके बैठा, ऐसे कबूतर होने को वो वैसे कबूतर ही, और फिर से उसको मैं अब कतरी मार दूंगा, क्योंकि वो परेशान बहुत करती है, ऐसे परेशान वाले कबूतर अच्छे नहीं लगते मेरे को। तो ये देखो ये ऊपर है अपने, देख सकते हो ये मादी उड़ गई, आह ये देखो सिद्धि भागी, और सिद्धि जा रही है, देखो देखो ये ऐसी बैतर मादी है, देखो आह आह, तो मैं इसको अब अपने आप ही बैठने दूंगा, भाग जाने तो भागने दो और आती है तो आने दो। तो देखते हैं देखो पीछे के साइड, ये अब पग डाले और बैठ गई, बैठ गई, तो जैसे कबूतर छोड़े पहले कौन आ गया, अपना पट्टा आ चुका है, और वो मादी अभी तक उधर ही है, आपको दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी, पर ये देखो सब उतर गए अपने, ये देखो ये भी जोड़ा ऊपर भाग गया, पट्टा भी ऊपर आ गया, वो भी उधर बैठ गए, और आज पट्टा बहुत ही खतरनाक उड़ा आज, मेरे को अच्छा लगा, और वो भी देखो वो भी आ गया तार पर, ये भी, अब ये मादी कब आएंगी पता नहीं। ये देखो मादी, ये देखो घर के ऊपर उड़ रही, ये बैठेंगी 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 बैठेंगी, बैठ गई तार पर, ये ऐसी बस, अरे अरे गिर गई, वाह रे वाह, बैलेंस भी बिगड़ना नहीं आता, और उड़ती तो अच्छी नहीं, और ये कुत्ता देखो, और ऊपर से व्यू देखो अपने लॉफ्ट का भी देखो, और वो मेरा दोस्त भी देख लो आप, वो हंस रहा है, और ये कुत्ता भी है, सब कबूतर ऊपर है, सिर्फ वो मादी और कतरी वाली नीली मादी दोनों सिर्फ नीचे है, और सब कबूतर ऊपर है, और पहली बार आज अपने छः कबूतर उड़े थे, उड़े 5-10 मिनट, पर बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे, तो आप सोचो 10 कबूतर एक साथ उड़ेंगे, 20 कबूतर एक साथ उड़ेंगे तो कैसे लगेंगे। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, तो मैं जल्दी जल्दी से वीडियो लाऊँगा और अच्छे अच्छे कबूतर लाऊँगा। तो चैनल पे जो भी न्यू आए तो चैनल करो सब्सक्राइब। अब यही जोड़ा नीचे है देख सकते हो, सब कबूतर ऊपर, ये वो जोड़े उसके पास, ये जोड़ा इसके पास, और मुर्गियाँ इधर है ताल करने के लिए, देख सकते हो मैंने इतना अब काम कर दिया है, पूरे खिले फिले सब ठोक दिए है, और देख सकते हो कबूतर अभी भी ऊपर ही है देख सकते हो। अब मैं इनको अंदर डाल दूंगा क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, तो पेटी का दरवाज़ा ओपन करता हूँ, और कबूतर सब सभी ऊपर है, तो इस मादी को तो काटना ही पड़ेगा, ये भी नर अंदर ही था मुझे पता ही नहीं, और इस मादी को भी छोड़ देता हूँ, और सब कबूतर को आने की, मोटा कबूतर चला गया अपने आप ऊपर, वही है अपना सेटअप अब पूरा रेडी हो चुका है, सिर्फ इधर अब फारी आएंगी, ये फटफुट है ना, बस इधर थोड़ा सा डैमेज है, इस डैमेज को थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, और फिर पूरा, और उधर से भी थोड़ी सी फट है, तो उधर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके फिर कबूतर की शिफ्टिंग इधर कर दूंगा, और देख सकते हो सब कबूतर एक एक करके सब आ रहे हैं, तो आने को होना सब। अब ये तीन कबूतर ऊपर है, ये जोड़ा तारे का जोड़ा ऊपर है, खैरा भी आ चुका है, और ये देखो अब अंदर जाने को होना, आ तो गए है पर अंदर जाने को होना, ये जोड़ा है, जल्दी जल्दी आओ, 7 बज चुके हैं अभी तक नीचे आने के हैं, तो इनको मतलब अजीब अजीब सा लग रहा है, पहले ऐसी खुली पेटी थी, अब थोड़ी सी अड़चन में पेटी है, इसके वजह से वो
ऐसे हो रहे हैं। और ये भी उनको अजब ही लग रहा होगा कि न्यू न्यू आया है, क्या है नहीं पता उनको। तो अब देखो तीन कबूतर आने के, तो इनके आने के बाद डायरेक्ट अंदर डाल देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो, ये देखो कहाँ पर गटर रहा है। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक लग रहा है इस पे गटरते हुए। और ये मादी अंदर जाने को ना, सब कबूतर तारा भी चला गया है और अंधेरा बहुत हो गया। तीन कबूतर अभी भी जाने के, देख सकते डॉगी भी आ चुका है अपना डॉग शेरू। ये देखो, और ये मादी को जाने को ना, ये पट्टा को तो हाथ में पकड़ लूँगा। मोटा कबूतर जाता ही है, और फिर होंगी इधर स्विफ्ट कबूतर डायरेक्ट अंदर। थोड़ा सा काम और बाकी है, तो मुझे लगता है और एक दो दिन तो लग ही जाएंगे शायद। तो पहले तो मैं, अब पेटी तो पूरी हो चुकी है, अब देखना है फटफुट करना है, मतलब कहाँ से जानवर घुस सकता है अंदर। ये फट गिट देखना है, और नीचे से क्या है तो उसका भी रात भर सोचना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा, और मुझे करना पड़ेगा। तो पहले तो अब मैं फारी लाऊंगा तालपत्री, फिर उस पे ऊपर प्लाउड के ऊपर डाल दूंगा, क्योंकि प्लाउड ख़राब ना हो और ज़्यादा दिन टिके। और फट है पीछे से, उसका भी इलाज करना पड़ेगा। तो ये तो अंदर नहीं जा रहे हैं, और अपना शेरू इधर बैठ चुका है। शेरू ये देखो, हाँ हाँ, अपनी मादी अंदर चली गई, अब रह गया है पट्टा। तो पट्टा भी मिल गया, और देखो ये पिलैन का निकल रहा है, पिलैन का कबूतर बन रहा है। तो इसको इसके खन में, और चीची करता है। और आज देखा आपने कि अपने छः के छः कबूतर उड़ गए थे। तो गाइस यही था आज का वीडियो, फ्लैश लगाना पड़ा क्योंकि अंधेरा हो चुका है, और मैं अब जाऊँगा खाना खाने, और कबूतर सब चले गए अंदर। तो चैनल पे जो भी न्यू आया तो चैनल करो सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन करो गाइस, मिलते गाइस नेक्स्ट में। चलो गाइस बाय।